हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये उसी तरह की है जिस तरह हमें बाहर के ममालिक से सुनने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा है जिस तरह बाहर के ममालिक में। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब मर्द औरतों पर ज्यादती करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत केसेस में औरतें भी मर्दों से औरतें जुतियां छुतियां मार लेती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा औरतें में समझती फिर भी आके रिपोर्ट कर देती है, मर्द ये चीजें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज उनकी फिर मैस्कुलिनिटी इफेक्ट होने लग जाती है, लोग उनको कहने लग जाते हैं तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी बीवी से मार खा कर आए हो। हां बिल्कुल। वुहान में जब कोरोना इरप्ट हुआ तो पता ये चला कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 3 गुना ज्यादा हो गया। जो पुलिस स्टेशन थे वहां पे रिपोर्टिंग जो आई उसके मुताबिक ये था कि जो इन माह के दौरान लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक वायलेंस थी उससे उसका नंबर 3 गुना ज्यादा हो गया। हमने इसको जब फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि बाहर के ममालिक में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूरोप और अमेरिका की तो वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑन द राइज। क्या पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि कोरोना में जहां पे अब जो पार्टनर्स हैं दे आर लिविंग इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो जहां पे उनको कम एक दूसरे के साथ इतना लंबा टाइम गुजारने को मौका मिल रहा था वहां पे कंटिन्यूसली वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसको जानने के लिए और डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं रिदा फैसल मलिक। रिदा, थैंक यू वेरी मच। और बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं वो आपसे हम पूछना वो इसलिए चाहते हैं कि यू बीइंग अ स्टूडेंट वेल कनेक्टेड विद द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट जो हैं वो घर के अंदर बैठे हमें घर के हालात बेहतर बता सकते हैं। डू यू थिंक हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये उसी तरह की है जिस तरह हमें बाहर के ममालिक से सुनने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा है जिस तरह बाहर के ममालिक में। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस इज के इट्स अ वेरी टैबू इशू, पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। एंड कोई भी औरत या मर्द अगर किसी पे हाथ उठाए या उसको किसी चीज से थ्रेटन करे तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब मर्द औरतों पर ज्यादती करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत केसेस में औरतें भी मर्दों के साथ जुतियां छुतियां मार लेती हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, अमेरिका, मैं आपके साथ शेयर करूं कि अमेरिका में एवरी फोर्थ विमेन वो सम और अदर अपनी जिंदगी में किसी स्टेज पे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार, और एवरी सेवंथ मैन फॉर दैट मैटर। तो ये नंबर जो है काफी बड़े इनके स्टैटिस्टिक्स, लेकिन पाकिस्तान में यू आर राइट रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है। और सबसे ज्यादा औरतें में समझती फिर भी आके रिपोर्ट कर देती है, मर्द ये चीजें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज उनकी फिर मैस्कुलिनिटी इफेक्ट होने लग जाती है, लोग उनको कहने लग जाते हैं कि तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी बीवी से मार खा कर आए हो। बिल्कुल। तो वो फिर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत में बात आने लग जाती है, मर्द ये चीजें रिपोर्ट करते ही नहीं है पाकिस्तान। बड़ी मजे की बात, आप जितना मर्जी सर्च कर ले यू कांट फाइंड एनी स्टैटिस्टिक जिसमें हो कि कितने मर्द हैं हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। एंड आई पर्सनली नो पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, नहीं, व्हाट डू यू पर्सनली नो? आई वुड ऑब्वियसली आई वुड टॉक अबाउट देम, बट जो जो आपके क्लास फेलो स्टूडेंट्स हैं इधर उधर, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, पता चलता है आई मीन सो मेनी वुमेन हु हैव मेंटल एलिमेंट्स एंड हु आर साइको फॉर दैट मैटर एंड हु आर बीटिंग देयर किड्स एंड देयर हस्बैंड्स। अच्छा, ओके, लेट्स गेट ऑन अ सीरियस साइड ऑफ इट। एक्चुअली कि अभी बच्चे जो हैं वो बहुत अफेक्ट हो रहे होंगे कि जब आप देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के दरमियान एक लड़ाई हो रही है और डोमेस्टिक वायलेंस है और गाली गलौज चल रहे हैं, इट क्रिएट अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द चिल्ड्रन, वेरी बैड इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन। और सबसे ज्यादा आजकल क्वारंटाइन में तो मैं सोचती पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या होता होगा, बिकॉज़ दे हैव टू स्टे एट होम विद देयर पेरेंट्स ऑल द टाइम एंड दे हैव टू सी दैट ऑल द टाइम गोइंग ऑन इन देयर हाउसेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब करंट हालात में डू यू थिंक बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रिपोर्ट कर दे? पूरी पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इट्स नॉट ओनली द पार्टनर्स बी रिपोर्टेड, जो घर में लोग जो देख रहे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर आल्सो सफरिंग बिकॉज़ ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, दे आल्सो हैव टू रिपोर्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यू बीइंग अ स्टूडेंट फॉर दैट मैटर, आपकी कम्युनिटी में अवेयरनेस है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये कहां पे, इसकी जो रीजंस हैं एग्रीवेट होने की वो क्या है? जी बिल्कुल, अवेयरनेस मैं समझती हूँ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बच्चे तो बहुत परेशान हो जाते हैं ये चीज़ें देख के अपने घर में जब हो रही होती हैं, दे डोंट इवन टॉक अबाउट दिस विद एनीवन। देयर आर 70% वुमेन इन पाकिस्तान हु आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और इसके बारे में लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते, और क्यों बात नहीं करते? बिकॉज 95% वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस डोंट इवन रिपोर्ट देयर इशूज बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद मैन। अगर वो किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे उनको मर्दों से इंटरेक्ट करने पड़ेगा इस बारे में, दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सच इशूज विद मैन। ठीक है, अभी
कानून बन गए हैं पंजाब में भी एक एक्ट जो है पंजाब में एक एक्ट हुआ है स्टार्ट 2018 में व्हिच इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. उसके तीन मेन एम्स हैं. देयर वाज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, देयर वाज अ मॉनिटरी ऑर्डर एंड देयर वाज अ रेजिडेंस ऑर्डर. प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये होता है कि जो औरतें इस चीज का शिकार होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको इन चीजों से निकाला जाता है सिचुएशन से. जब वो जाके रिपोर्ट करते हैं निकाल के क्या किया जाता है, थोड़ा सा जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए. इफ दे आस्क फॉर अ डिवोर्स एंड देयर हस्बैंड कैन यू नो afford their house and everything for their wife, so the husband is supposed to give residence to their ex-wife or who's for that. अच्छा रिते, इस पे technically हम किसी वकील को बुला के definitely हम इस पे detail में बात करेंगे, लेकिन at least आपको ये information मौजूद है कि कानून मौजूद हैं और उनको invoke किया जा सकता है. इनको invoke किया जाता है, और अगर कोई husband नहीं afford कर सकता अपनी बीवी के residence, तो फिर the government, it's the state's responsibility to provide residence for that woman who's the victim of domestic violence. ठीक है, ठीक है. जो बच्चे हैं, मैं वापस उसी पे आता हूँ कि जो domestic violence का नतीजा जो है इफेक्ट जो है मियां बीवी तो अपनी जगह पे सफर कर रहे होते हैं. जहां पे डिवोर्स की बात की जाती है तो डिवोर्स बेशुमार जो स्टिग्मास लगे हुए हैं, स्टिग्मास में लगे हुए हैं, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ इसलिए उसको ऑप्ट नहीं करते कि बच्चों का फ्यूचर जो है. बट आई पर्सनली बिलीव कि जो बच्चे हु आर रेज्ड इन विद सिंगल पेरेंट्स दे आर फार बेटर ऑफ देयर चिल्ड्रन हु आर कांस्टेंटली विटनेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर होम्स, बिकॉज़ वो तो एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस उनको रोज ब रोज मिल रहा है ना. ठीक है, सो इफ दे आर लिविंग विद सिंगल पेरेंट्स फाइन, दे डोंट हैव अनदर पेरेंट, बट द थिंग इज कि दे डोंट हैव टू गो through that every day. बिल्कुल ठीक है. अब do you think कि हम पहले भी ये बात करते थे कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन तक इन लोगों को अप्रोच करना चाहिए. हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हैं उनको इन तमाम विक्टिम्स तक एक्सेस आज के टाइम में शायद अवेलेबल ना हो बिकॉज ऑफ द कोरोना. रिपोर्टिंग नहीं है, घरों में नहीं जा सकते. डू यू थिंक उनको अपनी एक्टिविटी हेल्पलाइंस साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अवेलेबल होना चाहिए, हेल्पलाइंस अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोग उनके पास आ सकें अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें. बिल्कुल ठीक, लेकिन फोन पे कैसे हो सकेगा, ऑनलाइन कैसे? हर वक्त तो आपके ऊपर वो जो आपका अब्यूजर है वो आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. जो डेटा माजी में अवेलेबल था जिन विक्टिम्स का डेटा, डू यू थिंक उनको अप्रोच करने की जरूरत है? बिल्कुल अप्रोच करने की जरूरत है, सो दैट दे कैन सेट एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस कि किस तरह लोग उन चीजों से बाहर निकलते हैं, किस तरह लोग अपने आप को बचाते हैं ऐसी सिचुएशंस से. बिल्कुल, बिकॉज़ द सुसाइड रेट इज सो हाई, देयर आर सो मेनी पीपल हु गिव अप बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशंस. अच्छा ये रिता, ये जो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के aftermath है उसके इफेक्ट्स है, उसमें आपने बताया कि सुसाइडल रेट है पाकिस्तान में भी है. बिल्कुल है, सुसाइडल रेट बिल्कुल है पाकिस्तान. अच्छा, और बाज का शायद उसको भी शायद रिपोर्ट नहीं किया जाता. रिपोर्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल. तो बाकी लोग इन चीजों से कैसे सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे अगर लोगों के एग्जांपल्स नहीं बाहर लेकर आएंगे. बिल्कुल जी. मैं फिर एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि रीजंस क्या हैं. बस लोग जेनी तौर पे एबनॉर्मल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, उसकी वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं कुछ लोग. क्या और क्या है? मॉनेटरी रीजंस हैं, मॉनेटरी रीजंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. जो लोग जिन कपल्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आपस में एक दूसरे पे वो निकाल सकते हैं, उनके रिलेशनशिप आपस का स्टेबल नहीं है. स्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ये भी हो सकता है. उसके अलावा पीपल हु हैव बीन थ्रू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन देयर चाइल्डहुड, दे आर मोर लाइकली टू बिकम वेरी वेरी अग्रेसिव व्हेन दे ग्रो अप टुवर्ड्स देयर स्पाउस और देयर किड्स. इनफिडेलिटी का कितना रोल है यहां पे कि आप चाइल्ड हैं लेकिन बच्चों को तो पता होता है टाइम्स घर में, ये भी एक रीजन होती है. बिल्कुल बिल्कुल होती है. ठीक है, ठीक. दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज और आई बिलीव के इसको इसकी तरफ गवर्नमेंट को और लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए. औरतों को कहा जाता है, कोई चीज मैं ऐड कर दूं कि औरतों को कहा जाता है कि सह लो. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ वुमेन हु टेक एक्शन फॉर व्हेन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद देम आर अ थ्रेट टू आवर सोसाइटी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच रीता, बहुत शुक्रिया. डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी सीरियस इशू और हम ये इसको एट टाइम हाईलाइट करते हैं. इसमें हमें जरूरत है कि हम साइकोलॉजिस्ट और लीगल एक्सपर्ट जो है उनके साथ भी बैठे, लेकिन हियरिंग इट फ्रॉम अ स्टूडेंट इस सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो हैं वो इस तरह इसका इंपैक्ट किस तरीके से ले रहे हैं और वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं. हम जानना ये चाह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत प्रेवलेंट है और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट इस पर एक्ट नहीं करेगी और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही हैं वो इसको सीरियसली हैंडल नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू ट्रिकल डाउन टू द चिल्ड्रन विच इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विच वी कांट अफोर्ड. थैंक यू.